हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार मेरा है। नाम अली रजा मेरा नाम आमर है। महाभारत का एपिसोड 167 अभी देखेंगे। लास्ट में देखा भाई, पांचाली पर एक हरामी ने बुरी नज़र डाली और इस तरह की गंदी बातें कर रहा था। बोल रहा है कि मैं इनका राज जान लूँगा, फिर ये खुद आएंगी मेरे पास। तो इस तरह की बातें कर रहा था। बाकी देखते हैं क्या होता है। और वो सब भाई भी एक साथ हो गए। अभी प्ले करें। आर्यभट्ट के इतने विशाल साम्राज्य की सम्राज्ञी होके पंचाली एक दासी का कार्य कर रही है, ये देखकर मेरा मन कचोटता है। ज्येष्ठ, दासी का कार्य करने से दुख तब होता है नकुल, जब मनुष्य अपने मन से स्वयं को दास माने। और पंचाली कभी अपने मन से दासत्व का स्वीकार कर ही नहीं सकती। अब तो अज्ञातवास भी पूर्णता के निकट है। केवल 15 दिन और हम सब मुक्त होंगे। मुझे तो अभी से स्वतंत्रता की अनुभूति होने लगी है। पूर्व दिशा की ओर दृष्टि रखने वाले को सूर्य उदय से पूर्व ही सूर्य का प्रकाश दिखना आरंभ हो जाता है। पंचाली, तुम्हारे वस्त्र क्यों फटे हुए? एक और अपराधी के द्वार पर छोड़ा ही हूं अपने वस्त्र का एक भाग, जिससे दंड देते समय उसका विस्मरण ना हो जाए। कीचक, उसने आज फिर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं अभी उसका मस्तक तोड़ दूंगा। अभी नहीं यार, जरासंध की ही भांति कीचक को भी बहुत कम लोग मार सकते हैं, ये बात सब जानते हैं। यदि कीचक की हत्या का समाचार प्रकट हो गया तो दुर्योधन अवश्य जान लेगा कि हम सब विराट में हैं। पंचाली ठीक कह रही है, इस समय हमें केवल 15 दिन और गुप्त रहने की आवश्यकता है। सावधान, कुरुवंश के राजकुमार सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। पधारिए गंधार राज, पधारिए युवराज, विराट नगर में आपका स्वागत है। महाराज, विराट के बल और समृद्धि में वृद्धि हो, ऐसी शुभकामना है। आसन ग्रहण कीजिए। आप किस हेतु पधारे गंधार राज? पिछले 500 वर्षों में गंधार और हस्तिनापुर का गुरुकुल कभी मत्स्य देश पता रहे हो, ऐसा सुना नहीं। ये पूरी तरह असत्य है महाराज विराट, मिथ्या आरोप है ये। हस्तिनापुर का राजकुल अवश्य मत्स्य पधारे और विराट नगर में उन्होंने वास भी किया है। कब? 1 वर्ष पूर्व। पिछले 1 वर्ष से महाराज पांडु के 5 पुत्र और उनकी पत्नी आपके आश्रय में है। हमने किसी को आश्रय नहीं दिया गंधार राज। महाराज विराट, पांडु पुत्र हस्तिनापुर के अपराधी हैं। यदि आप उन्हें गुप्त रखने का प्रयत्न करेंगे तो आपको हस्तिनापुर की सेना का सामना करना होगा। हमें किसी का भय नहीं युवराज, आप सेना लेके अवश्य पधारे। महाराज,
युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। युवराज, यदि हम पांडवों को जानते तो अवश्य हम उन्हें आपके सामने उपस्थित कर देते। पांडवों की पत्नी से अधिक सौंदर्यवती स्त्री पूरे विश्व में और कोई नहीं। यदि आपके नगर में कोई अत्यंत सुंदर स्त्री पिछले एक वर्ष से वास कर रही हो तो उसे सभा में लाइए। सेनापति कीचक, मेरे पति ने समग्र विश्व के पापियों का अंत करने हेतु तपस्या का प्रण लिया है। मुझे पांच अलौकिक गंधर्वों का रक्षण प्राप्त है। ये हस्तिनापुर की राजसभा नहीं है राजकुमार दुशासन, जहां स्त्रियों को घसीट कर लाया जाता है। ये महाराज विराट की सभा है, जहां ऐसा अनाचार नहीं होता। आज विराट अपनी मर्यादा में रहिए, उसे भंग मत कीजिए। महाराज, मेरा मानना है कि हमारा कुरु राष्ट्र के साथ शत्रुता करने का कोई कारण नहीं। राज, पिछले साल जितने भी प्रवासी विराट नगरी में आकर ठहरे हैं, उन सभी स्त्री और पुरुषों की प्रदर्शन यात्रा इसी राजसभा में करवाऊंगा। तब तक आज रात्रि आप हमारे नगर का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। किंतु महाराज, विराट की मान्यता कुछ इन है। सेनापति महोदय, मत्स्य देश में सेनापति और राजा की मान्यता भिन्न नहीं है। राजकुमार, मेरा निर्णय ही महाराज का निर्णय है। आप चिंता मत करिए राजकुमार, कल प्रातःकाल ही सभी अतिथियों और प्रवासियों को इस राज्यसभा में उपस्थित कर दूंगा। सैनिकों, सभी प्रवासियों को इस राज्यसभा में आने का आदेश दो। कैसा आदेश है ज्येष्ठ? हमें प्रातः काल प्रदर्शन यात्रा हेतु राजसभा में उपस्थित होना होगा। मामा श्री शकुनी को सेनापति कीचक ने वचन दिया है कि वो हमें ढूंढने में उनकी सहायता करेंगे। क्या हमारे इस भेष में भी दुर्योधन और गांधार राज हमें पहचान सकते हैं? देखने वाले को केवल अपरिचित आकार दिखता है नकुल, ढूंढने वाले को परिचय का चिन्ह मिल जाता है। मार्ग में मिल जाता तो कदाचित जान नहीं पाता, किंतु प्रदर्शन यात्रा में अवश्य जान लेता। और यदि इतने विश्वास के साथ कीचक ने वचन दिया है तो अवश्य उसने पांचाली की वास्तविकता तो जान ही ली है। यदि ऐसा है तो उसने सभा में पांचाली की वास्तविकता क्यों नहीं प्रकट कर दी? उसकी लालसा जानता हूं मैं। यदि पांचाली की वास्तविकता जान गया है वो तो अवश्य उसका लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा वो दोस्त।
हाँ यार, ये भीम ने सही बोला, ये कीचक बड़ा हरामी है, उसके इरादे ना गलत लग रहे हैं। उसको कुछ पता चल गया है बट हरामी अभी बोलता है कि मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। बाकी ये दुर्योधन वाले हरामी इधर भी पहुंच गए यार, और इनको ही डरा रहे हैं। उनकी सभा में आकर उनको चिल्ला के बोल रहा है कि महाराज ऐसा नहीं कर वरना बहुत बुरा होगा। दुशासन तो इतना हरामी है कि वो भी चैलेंज कर रहा है, लेकिन कीचक समझ गया और उसने मामले को थोड़ा स्लो कर दिया, वरना भाई यहीं पर युद्ध होता। और महाराज विराट यहाँ पर भी वही है भाई जैसे धृतराज थे, उसकी भी नहीं चलती। दूसरा वो हरामी बोलता है जो मैं बोलूँगा वही होगा। यार फिर महाराज किस लिए बनते हैं यार, उनका हुक्म ही नहीं चलता। ये बड़ा है, मुझे गुस्सा आता है, महाराज किसे हैं फिर ये? महाराज को झटका लग गया भाई, वो कहता है मेरा हुक्म है, जो मैं कहूँगा वही महाराज का है। तो भाई महाराज भी सुन लोगे कि ये जो शकुनी जैसे भाई धृतराज का साला है ना, ये मेरा भी साला बड़ा कमीना है भाई। इसका तो भाई मैंने भी देखा ना, ये जो कीचक है इसका तो बड़ा हरामी रूप है भाई। वो उसको याद भी आ गया कि भाई पांचाली ने जो जो बोला ना वो ये भाई दे रहे हैं। तो उसका दिमाग में बड़ी भाई हलचल हो रही है कि भाई साहब इसका लाभ उठाना है, फ़ायदा उठाना है इस बात का। बाकी यार ये धृतराज वाले बड़े कमीने, सामने आके दुर्योधन वाले धमकियाँ देते, किसी से नहीं डरते। ये भी तीन ये मंडा भी आता है एक शकुनी, बाकी धमका देते दूसरे राज्य में आकर। भाई साहब ये इनकी जो बहादुरी है ना कमीन होगी, ये भी हरामी है भाई। हरामी तो है ना भाई, सभा में आकर उसके महाराजा को उसको ही मुद्दा चला ले भाई, इधर युद्ध हो जाएंगे। महाराज भी लुल्ले है ना भाई, ऐसा मंत्री कीचक जैसे बने पड़े, वो भी बस बोलते हैं जैसा मेरा आदेश है वैसा ही महाराज का आदेश है। महाराज भी खामोश है, हस्तिनापुर में धृतराज, यहाँ पर ये वाला महाराज लुल्ले। वह गुस्सा आ रहा है यार, ये सारे के सारे महाराज है ना, मैं कहता हूँ इसका गला दबा दूँ और क्या करूँ। ये अपने मंत्रियों से डर रहे हैं, बाकी ये महाराज इनको बनाया किसने? बाकी ये भीम वालों का तो भाई गुस्सा जायज है, कीचक तो बड़ा हरामी है, वो तो ठरक पर में आ गए भाई, वो तो बड़ा नपुस है गए हैं। जो तो क्या करे भाई, दिल करता है तो उसके गला दबा दो ना भाई। इतनी शादियां हुई हुई है, फिर भी दूसरी स्त्रियों में आंखें गाड़ी हुई है ये हरामखोरों ने।